दोस्तों YouTube कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा करता रहता है। इसी तरीके से देख सकते हो यहाँ पर एक अपडेट लेके आ गया है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। उससे पहले आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 4 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता था लास्ट 365 दिन में, यानी कि 1 साल में। उसके बाद में एक अपडेट लेके आया कि आपके YouTube चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में अपडेट लेके आया चौथा, कह सकते हैं उसे, तो चौथा अपडेट अभी ले के आया है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। और टू स्टेप वेरिफिकेशन से क्या होगा और इससे क्या फ़ायदे हैं वो मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। हाय दोस्तों, मैं हूँ संदीप और स्वागत है आपका फिर से एक बार टच प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और इससे कैसे करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो यूट्यूब अपडेट लेके आया ये गलत अपडेट नहीं है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और आप भी समझेंगे तो आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं दोस्तों पहले आपको बताता हूँ ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है और किस तरह से इसे करेंगे। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? टू स्टेप वेरिफिकेशन जो यूट्यूब पर आपके चैनल हैंग किए जाते थे, अभी बहुत ज़्यादा होता था कि चैनल बहुत ज़्यादा हैंग हो रहे थे यूट्यूब पर, तो ये चीज़ यूट्यूब को भी पता चली। तो यूट्यूब ने देखा कि बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते ही नहीं हैं अपने चैनल में। कम से कम 70% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी आपका Gmail ID जान जाता है और आपका पासवर्ड भी जान जाता है, और अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन करके रखा होगा तो वो आपका Gmail ID हैंग नहीं कर सकता है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपके एक मोबाइल नंबर पर जो आप नंबर रजिस्टर करोगे टू स्टेप वेरिफिकेशन में, तो उस नंबर पे OTP पासवर्ड एक जाता है, वो भी डालना पड़ेगा उसको। वो अगर नहीं मिलेगा उसको तो आपका Gmail नहीं हैंग कर पाएगा। अगर आपका Gmail नहीं हैंग कर पाएगा तो आपका चैनल तो वैसे भी नहीं हैंग कर पाएगा। चैनल तो भैया Gmail ID से ही बना है ना, तो इसलिए क्या किया यूट्यूब ने, टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको आपके डैशबोर्ड पे दिखा दिया है, जहाँ पर आपके 1,000 सब्सक्राइबर और 4 वर्ष वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ता है। तो इसको अब जरूरी कर दिया है कि अब आपको ये टू स्टेप वेरिफिकेशन करना ही होगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन करोगे उसके बाद में टिक का ऑप्शन बन के आ जाएगा, तभी आपका यूट्यूब चैनल अब गूगल एडिशन से मोनिटाइज भी होगा, और जितने यूट्यूब चैनल पहले के हैं उनको भी मेल गया है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को टू स्टेप वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ का ये रूल है टू स्टेप वेरिफिकेशन का, इसलिए इसने यूट्यूब ने लाया है और ये काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ये आपको किस तरह से करना है। तो चलिए मैं फ़ोन की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको करके बताता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो दोस्तों देख सकते हो हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देख सकते हो ये चौथा ऑप्शन मिल जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन का। तो इस पे क्लिक करके आप कर सकते हो स्टेप टू वेरिफिकेशन को, आप यहाँ से भी कर सकते हो और अपनी जीमेल अकाउंट से भी कर सकते हो। जीमेल अकाउंट से करने से क्या होगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं भी है तो भी आपकी Gmail ID तो सिक्योर रहेगी। तो इसलिए मैं आपको चलिए जीमेल अकाउंट से ये करके दिखाता हूँ Gmail ID से किस तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन करना होगा आपको। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपनी जीमेल में और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है। तो मैं आ जाऊंगा अपनी जीमेल में, देख सकते हो यहाँ पर जीमेल का ऑप्शन मिल रहा है आपके फ़ोन में, सबके फ़ोन में जीमेल का ऑप्शन मिलता है, उसी में जाना है। तो हमने जैसे ही जीमेल पे क्लिक किया इस तरीके से खुलेगा, और ये देख सकते हो हमारे जीमेल खुल चुके हैं। और यहाँ पर क्या करना होगा आपको, ये जीमेल का जो लोगो कोने पर मिल रहा है इस पर क्लिक करना होगा आपको। तो हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म करना है कि किस Gmail ID का आप टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, या फिर ये कंफर्म कर लीजिए किस Gmail ID से आपका यूट्यूब चैनल बना हुआ है। वो Gmail ID आपको यहाँ पर ऊपर होनी चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर। तो उसके बाद में ये यहाँ पर मिल जाता है मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना होगा, या अपने क्रोम ब्राउज़र से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हमने क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज आएगा, और इसके बाद में इधर की ओर इसको स्क्रॉल करके जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो सिक्योरिटी वाले पे क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी
सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हो इस तरीके से आपके पास पेज आएगा। इसको स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना होगा और यहाँ पर देख सकते हो ये मिल जाता है टू स्टेप वेरिफिकेशन और यहाँ पर ऑफ है, इसको ऑन करना है हमें। तो हमें यहाँ पर इसी लाइन पे क्लिक कर देना होगा, इस तरीके से टच करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप ब्राउज़र से करना चाहते हैं क्रोम ब्राउज़र से, मैं क्रोम ब्राउज़र से करूँगा। तो मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया। क्रोम पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास एक पेज खुल के आएगा और फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा गेट स्टार्ट का ऑप्शन। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हमने पासवर्ड अपना लिख के ओके कर दिया है। तो हमने जैसे ही पासवर्ड लिख करके ओपन कर दिया, इस तरीके से पेज आएगा आपके पास और यहाँ पर देख सकते हो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाता है कंट्री, मेरा सेलेक्ट पहले से ही आ गया है और जो मेरा जीमेल आईडी पे नंबर रजिस्टर्ड है वो भी आ चुका है। और मैं क्या करूँगा, अब इसी नंबर को मैं टू स्टेप वेरीफिकेशन में यूज करूँगा। तो ये मैं यही नंबर रखूँगा और नहीं आता है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो और आप दूसरा नंबर लगाना चाहते हो तो यह इसको हटा के दूसरा नंबर भी आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा मिल जाता है टेक्स्ट मैसेज और यहाँ पर दो नंबर पे मिल जाता है फ़ोन कॉल। तो आपको जो OTP आएगा आपके नंबर पर वो आपको कॉल के द्वारा बताया जाए, मतलब या आपके मैसेज द्वारा आए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज पे है तो टेक्स्ट मैसेज पे ही रहने देते हैं और आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद अभी हमारा OTP आ जाएगा इस नंबर पे, देख सकते हो OTP आ चुका है। तो हमने यहाँ पर OTP अपना लिख लिया है। तो इसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट कर देना होगा, देख सकते हो हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर लिख करके आ चुका है तुरंत ऑन। तो अब देख सकते हो दोबारा से हमने जैसे इसको ओपन किया और यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो टिक लग के आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। तो अब शायद आपने इस वीडियो को देखने के बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन को समझ लिया होगा कंप्लीट किस तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन करना आपने इस वीडियो में सीख लिया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।